भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग फिट और फाइन होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आप सभी भाई बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सभी भाई अपनी बहनों से ज़रूर राखी बंधवा रहे होंगे, तिलक लगवा रहे होंगे और ढेर सारे गिफ्ट्स अपने बहनों को ज़रूर दे रहे होंगे। सभी भाई अपनी बहनों से राखी ज़रूर बंधवाते हैं और बंधवाना भी चाहिए, और साथ ही साथ संकल्प भी करते हैं कि अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेंगे और हर वक्त उसका साथ देंगे। यही एक भाई का फर्ज होता है। रक्षाबंधन सदियों से मनाया जाने वाला पर्व है। ये सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई भी इस दिन अपनी बहनों से वादा करते हैं कि वो हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे और हमेशा साथ देंगे, एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन यानी धागा है, रेशम की डोर है, जिससे भाई बहनों का प्यार बंधा रहता है। इस पे मैं आप सबको एक शायरी सुनाती हूँ, छोटी सी। कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है, बंधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है। राखी का धागा भाई और बहनों के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगा के और कलाइयों पर रक्षा सूत्र यानी रेशम के धागों के बने राखी को बांधकर ईश्वर से यही कामना करती हैं, यही दुआ करती हैं कि उनकी भाई की लंबी आयु हो और वो हमेशा उनकी रक्षा करे और वो हमेशा उनका साथ दे। और भाई भी अपनी बहन की हिफाजत करने का संकल्प हमेशा करता है और निभाता भी है, उनके दोस्त के रूप में, उनके भाई के रूप में हमेशा उनकी बुरी नज़र से बचाता है अपनी बहनों को। एक और शायरी सुनाना चाहती हूँ, कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा। जब ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाया होगा, जब ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाया होगा तो वो भी ज़रूर घबराया होगा। कैसे रखूँगा ख्याल इतनी सारी कुड़ियों का, तभी उसने हम सब के लिए भाई बनाया होगा। आई होप आप सबको हमारी ये टूटी फूटी शायरी और रक्षाबंधन त्यौहार का पर्व का महत्व ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप सबको आज का हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार का महत्व समझाना सही लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लें यानी ऑल कर लें, और ऐसे ही हमेशा साथ देते रहें। और आज का मेरा बस यही विषय था कि मैं आप सबको रक्षाबंधन त्यौहार के विश करने के साथ साथ इसका महत्व भी समझा पाऊँ। तो बस यही मैंने आज कोशिश किया एक छोटी सी। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। वी शेयर, वी ग्रो। प्रणाम।